दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर क्या सोच रहे होंगे? क्या उनको लग रहा होगा कि दिल्ली के लोगों में उनके प्रति सहानुभूति बन रही है और चुनाव में इसका फायदा होगा? क्या वो ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने का वादा किया है या एक बड़ी आबादी को मुफ्त में बिजली और पानी दे रहे हैं तो वो वर्ग ज्यादा मजबूती के साथ में खड़ा होगा? उनकी पार्टी के नेता और कई स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि दिल्ली के उस तबके में बीजेपी से नाराजगी होगी जिसको केजरीवाल की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है क्योंकि केजरीवाल के जेल जाने से वो योजनाएं बंद नहीं हुई और दूसरे अब देश की जनता ऐसी बातों से ज्यादा इमोशनल नहीं होती है। कई जगह पर आम मतदाता खुलकर ये कहते नजर आते हैं कि सरकार उन्हें अगर मदद दे रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही और ना ही अपनी जेब से ये मदद उन तक पहुंचा रही है। इसीलिए लाभार्थी वाली योजनाएं तभी वोट की पूंजी में बदलती हैं जब उनके साथ कोई और भावनात्मक मुद्दा या फिर अस्मिता का सवाल जुड़ता है। पीएम मोदी के साथ लाभार्थी जुड़े दिख रहे हैं तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं कि मोदी 5 किलो अनाज दे रहे हैं या फिर कुछ और लाभ दे रहे हैं, बल्कि इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि मोदी ने उनकी हिंदू अस्मिता को जागृत किया है और खुद को उनके साथ जोड़ा है। अगर सिर्फ 5 किलो अनाज देने की वजह से लाभार्थी का वोट उनको मिलता तो करोड़ों मुस्लिम भी उनको वोट देते, जबकि ये सब जानते हैं कि मुस्लिम आबादी को केंद्र की योजनाओं का चाहे जितना भी लाभ मिल रहा हो वो वोट बीजेपी को नहीं देते हैं। और इसीलिए अगर केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग ये सोचते हैं कि उनके जेल जाने से सहानुभूति पैदा होगी और उनकी योजनाओं का लाभ ले रहे लोग मन ही मन बीजेपी को सबक सिखाने की ठानेंगे तो ये गलत फहमी है। केजरीवाल के जेल जाने में यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। असल में खुद केजरीवाल ने इस मौके को गवा दिया या फिर इसके असर को ठंडा हो जाने दिया है। जिस तरीके से वो सीबीआई के समन पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए, उसी तरीके से ईडी के समन पर भी हाजिर हो जाते और अगर पहले ही ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया होता तो उसका ज्यादा बड़ा मुद्दा बनता, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मुद्दा बना था और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, उसी तरीके का प्रदर्शन केजरीवाल के लिए भी नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि दिल्ली की आम जनता से लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तक ये मान रहे थे कि केजरीवाल अनिवार्य रूप से गिरफ्तार होंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ये और स्पष्ट हो गया था कि केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे और तभी उनकी गिरफ्तारी में जितनी देरी होती गई इस मामले की गर्मी उतनी ही शांत होती गई। ऊपर से उनके तिहाड़ जेल पहुंचने के तुरंत बाद उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध भी नहीं किया और इससे भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला ठंडा पड़ा है। दूसरी रणनीतिक गलती केजरीवाल की ये रही कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। गिरफ्तार होने और जेल भेज दिए जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहकर अपनी बची कुची पुण्यता भी वो गंवा रहे हैं। लोग इस बात को भूले नहीं कि केजरीवाल ने देश की बाकी पार्टियों से अलग पार्टी बनाने और बाकी नेताओं से अलग नेता होने का दावा किया था। वो देश की सभी पार्टियों के नेताओं को भ्रष्ट बताते आए। ईमानदारी का उन्होंने एक ऐसा मानक गढ़ा था जिसके अनुरूप नेता इस देश के लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। इस मानक पर खरा उतरने वाले पहले नेता केजरीवाल पहले दिख रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि सभी पार्टियां भ्रष्ट हैं और उनकी पार्टी ईमानदार है। उनकी पार्टी के लोग बड़ी गाड़ियां नहीं लेंगे, बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहेंगे, सुरक्षा भी नहीं लेंगे और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, केजरीवाल हमेशा ये भी कहते थे कि नेताओं को जांच एजेंसीज का समन मिलते ही इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब वो खुद क्या कर रहे हैं? जिन पार्टियों को भ्रष्ट बताया उनके साथ तालमेल कर लिया,
खुद बड़ी गाड़ी ले ली, भारी भरकम सुरक्षा तामझाम ले लिया, बंगला इतना बड़ा है कि उसके रेनोवेशन पर ही 50 करोड़ रुपए खर्च हुए, 6 लोगों के परिवार के लिए 28 लोगों का अमला जमला है और ईडी के 10 समन पर उनके सामने हाजिर नहीं हुए और गिरफ्तार होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो क्या लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि व्यवहार तो उन नेताओं से भी खराब है जिनको केजरीवाल हमेशा जिनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। आप जरा सोचिए, लालू प्रसाद ने भी जेल जाने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और हाल ही में आपको हेमंत सोरेन याद होंगे, उन्होंने भी गिरफ्तार होने से पहले इस्तीफा सौंप दिया था और अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बनाकर हेमंत सोरेन जेल गए। लेकिन खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। सो नई पार्टी बनाने के 12 साल के बाद केजरीवाल ने अपने और अपनी पार्टी के बारे में बनी हुई धारणा को गवा दिया है। लोग भले ही उनको वोट देते रहे लेकिन अब ये बात कोई नहीं मानेगा कि वो दूसरी पार्टियों से अलग हैं या फिर सबसे ईमानदार हैं। उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे उनसे उनके बारे में धारणा बदली है, चाहे शराब नीति का मामला हो या फिर जल बोर्ड का मामला हो। जिस तरह की बातें मीडिया में आई या फिर जांच के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं और अधिकारियों की जैसी भूमिका सामने आई उससे लोगों के मन में एक संदेह जरूर पैदा हुआ है। इसका मतलब है कि जो बात उनको बाकी नेताओं के मुकाबले विशिष्ट बनाती थी अब वो बात खत्म हो चुकी है। उनके बारे में धारणा थी कि वो आम आदमी की तरह है, वो कट्टर ईमानदार है, लेकिन अब ये सबको पता चल चुका है कि वो बिल्कुल आम आदमी की तरह नहीं है। वो बहुत खास जीवन शैली वाले विशिष्ट व्यक्ति हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे हैं। सो धारणा बदल रही है। जहां तक लोकप्रियता का विषय है तो उसमें भी दिन प्रतिदिन कमी दर्ज की जा रही है। अगर बारीकी से देखेंगे तो ये समझ में आता है कि उनकी लोकप्रियता मुफ्त बिजली और पानी की वजह से है और इसके अलावा दिल्ली में कोई ऐसी खास चीज नहीं हो रही जो कि दूसरे राज्यों में हो रही हो। केजरीवाल की सरकार स्कूल और अस्पताल का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन क्या सचमुच दिल्ली में स्कूल और अस्पताल बहुत अच्छे हो गए हैं? दिल्ली सरकार के एक अच्छे अस्पताल का नाम कोई नहीं बता पाएगा। दिल्ली के लोग भी बीमार होने पर केंद्र सरकार के अस्पतालों जैसे कि एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग, पटेल चेस्ट, कलावती शरण अस्पताल में जाने को ही प्राथमिकता देते हैं। एलएनजेपी, पंत अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल या फिर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट आदि पहले से बने हैं। पिछले 10 साल में केजरीवाल की सरकार ने कोई ढंग का अस्पताल नहीं बनवाया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में या फिर इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में कोई नया कॉलेज नहीं जुड़ा है। सब कुछ मोटे तौर पर पहले जैसा ही चल रहा है। तभी प्रचार के दम पर जो भ्रम पैदा किया गया था वो भ्रम अब धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आने लगा है।